Good morning, students. Today, we are going to discuss a very important topic. This topic is named as VI and IV graphs for ohmic conductors. ध्यान दें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक पे किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे. So let us see the question. A student carries out an experiment and plots the VI graph of three samples of nichrome wire. एक स्टूडेंट होता है जो एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो नाइक्रोम वायर का तीन सैंपल लेता है विथ रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 respectively. जिसका रेसिस्टेंस जो है वो क्रमशः R1, R2 एंड R3 है. एज शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ है जिसमें हम इसको ओरिजिन ऐसे वो लिख सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है. और ये जो है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है. जिसपे आप ध्यान से देखिए, करंट जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखाया गया है और वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है. और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3. बी नंबर इज R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3. एंड सी इज R3 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1. एंड डी इज R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1. तो बताना भाई इसमें चारों में से कौन सही है. अच्छा, ध्यान देने की बात क्या है कि एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट करता है और वो नाइक्रोम वायर का तीन सैंपल लेता है जिसका रेसिस्टेंस क्रमशः R1, R2 एंड R3 है और ये ग्राफ है. ऐसे सवाल में अक्सर बच्चे जो है वो फंस जाते हैं. तो आज हम लोग जो है इसी सवाल पे डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि भाई सवाल को बनाने का तरीका क्या है और इसका थ्योरी क्या है. अच्छा, गलती से मैंने क्वेश्चन को जो है मिटा दिया था. मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है. अच्छा, ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी. आखिर इस क्वेश्चन का आंसर सी कैसे है हम लोग ये भी देखेंगे. मान ले कि हम इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन कर देते हैं और वो परिवर्तन क्या है ध्यान से देखेंगे. तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और यहां पे ओरिजिन है. अब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज जो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है इसको यहां से हटाकर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और ये जो करंट वाई एक्सिस पे दिया है इसको यहां से हटाकर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं. और ये R1, R2, R3 है, ये जैसे है इसको वैसे ही हम एडिटिव छोड़ देते हैं. R1, R2 एंड R3. अब यहां पे मैंने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज जो बी है उसको एक्स एक्सिस से हटाकर हमने वाई एक्सिस पे यहां प्लॉट कर लिया है और करंट जो हमारा पहले वाले फिगर में वाई एक्सिस पे है उसको यहां से हटाकर हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है. तो क्या इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि पहले वाले फिगर के अनुसार इसका आंसर सी होगा. ये कैसे होगा हम लोग देखेंगे. तो पहले वाले फिगर के अनुसार इसका आंसर यदि सी है तो क्या दूसरे वाले फिगर के अनुसार भी इसका आंसर सी ही होगा. बिल्कुल नहीं, दूसरे वाले फिगर के अनुसार इसका आंसर बदल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी. तो पहले वाले फिगर के अनुसार इसका आंसर सी क्यों है, दूसरे वाले फिगर के अनुसार इसका आंसर बी क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन दैट वी नीड टू नो ऑन विच प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन आर बेस्ड. नाउ वी विल लुक एट दैट प्रिंसिपल. Thank you.
क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को एक थ्योरी सीखना पड़ेगा, और उस थ्योरी का नाम क्या है, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग देते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आई बी एंड बी आई ग्राफ्स फॉर ओहमिक मेटल या फिर ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग दे दीजिए कॉपी पे। अच्छा, इसी थ्योरी को कहीं कहीं एक और नाम से पढ़ा जाता है, और वो नाम क्या है ध्यान से देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्लोप एंगल। अच्छा, इस थ्योरी में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो है स्लोप। स्लोप क्या है, इस चीज को भी देखेंगे। ऐसे स्लोप के बारे में हम लोग बहुत ही हाई क्लासेस में पढ़ते हैं, कि फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या चीज है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को कुछ और जानना होगा, वो लिखेंगे। पहले आप ये हेडिंग को नोट कर लीजिए, ठीक है। वी नो डैट द ग्राफ बिटवीन potential difference V and the corresponding current I is found to be a straight line passing through the origin for ohmic metal conductor, ठीक है, conductors लगा देते हैं। तो यहां कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड द करस्पॉन्डिंग करंट आई इज फाउंड टू बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और करस्पॉन्डिंग करंट आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करता है। और ये जो हम लोग ग्राफ को फाउंड करते हैं, जो निकालते हैं, वो हम लोग किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालते हैं, ठीक है, वो एक मेटल कंडक्टर्स के द्वारा निकालते हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा है, इसलिए यहां पे ओमिक मेटल कंडक्टर्स को लिखा गया है। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर हम इसका एक ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब यहां पे जो है, मान लीजिए कि हम ऐसा लिखते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात ये हो जाएगा हमारा भी, ठीक है। मान लीजिए हम यहां पे पोटेंशियल चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी ले सकते हैं या फिर यहां भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पे हमारा हो जाएगा करंट, ठीक है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड द करस्पॉन्डिंग करंट आई इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो करंट है, इसका जो ग्राफ मिलेगा
वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जब आप जाएंगे तो आगे क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को स्लोप के बारे में, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट जानना होगा और वो कॉन्सेप्ट है स्लोप का, जो कि आप 11th 12th में आगे जाके इसको डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल अभी स्लोप के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि स्लोप क्या चीज है। आगे चल के 11th और 12th में एक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें आप स्लोप के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। फिलहाल स्लोप जो होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं ढाल, स्लोप को हिंदी में हम ढाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस हॉरिजेंटल लाइन से एक हम इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है इस हॉरिजेंटल लाइन पे एक एंगल, इसमें एक एंगल का एक फॉर्मेशन हो रहा है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है ठीक है, इसी या फिर इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हैं, इसी को हम स्लोप कहते हैं। अच्छा, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर होता है। स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ क्यों मेजर होता है, वो मैंने बताया कि जब आप आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको जानना है हमेशा कि स्लोप को हम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करते हैं। अब अगर आपको स्लोप को कैलकुलेट करना हुआ कि भाई स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, स्लोप कभी भी हम निकालते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। अब इसको आप अपने नोटबुक में रफ में कहीं पे इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है ना, तो स्लोप हमेशा मेजर किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ होगा, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इंक्लाइन लाइन मिला है ये क्या है, एक स्लोप है। तो पोटेंशियल, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग करेंट आई, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और कॉरस्पॉन्डिंग करेंट आई के बीच का जो ग्राफ है वो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, इसीलिए हम इसको नाम दे सकते हैं, इस इंक्लाइन लाइन को हम बोल सकते हैं क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई वेक्टर है मान लीजिए, हम यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं ए, क्लियर। अब ध्यान देंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये फिगर वन है तो हम इसको लिख सकते हैं वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ फॉर मेटल कंडक्टर, वी आई ग्राफ फॉर मेटल कंडक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग एक कर देते हैं, फिगर नंबर वन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग समझ गए कि भाई स्लोप क्या है, स्लोप को कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, टैन थीटा से कैलकुलेट करेंगे, और ये आगे चल के 11th या 12th में जब हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम स्लोप के बारे में डीपली जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब हम यहां पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, मानना क्या है, ये तो एक्स एक्सिस है ही, और ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन ओ, ठीक है। अब
अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़े, इस थ्योरी को ध्यान से पढ़े, इसके हेडिंग को पढ़े, तो हम पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आई बी एंड वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। तो एक बार आई बी लिखा हुआ है और एक बार वी आई लिखा हुआ है। तो अक्सर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पढ़ाया गया होगा, आप ध्यान से देखे होंगे कि हम लोग पढ़ते हैं एक बार एक्स कोऑर्डिनेट, एक बार मतलब सपोज दैट कि भाई पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक बार अगर ध्यान से इसको समझ सकते हैं कि आई बी मतलब एक बार आई को यानी करंट को एक्स एक्सिस पे रखा गया है और वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार वाई एक्सिस पे रखकर इसको हमको डेरिवेशन करना होगा, और एक बार फिर वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखना है और एक बार करंट को जो है वाई एक्सिस पे रख के हमको इसको डेरिवेशन करना होगा, ठीक है। यहां तक समझ गया, तो इसीलिए इसका नाम डाला क्या है भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आई बी एंड वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स, या फिर इसी को कहीं कहीं बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्लोप एंगल। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो इसको आप लिखे या फिर नहीं लिखे। तो मान लें कि पहले बोल रहा है कि भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आई भी, अर्थात पहले मान लीजिए हम लोग को लेना है करंट, तो सपोज दैट ये आई है यानी पहले एक्स फिर वाई, तो आई को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। सपोज करें कि ये हमारा करंट है जो कि आई है जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और दूसरा है वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, तो यहां पे हमारा आ जा रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग करंट के क्रॉस जो हमारा ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जब हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने एक्सटेंड किया है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या है, मैंने किस चीज को प्लॉट किया है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पे मैंने किस चीज को प्लॉट किया है, करंट को प्लॉट किया है, ठीक है। तो चूंकि ये लाइन मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है भी, मतलब इस पे जो भी पॉइंटेड होंगे वो सब वोल्ट होंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और चूंकि ये करंट है एक्स एक्सिस पे, तो हम इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो हमारा जो है ये क्या है आई है, जिसको हम कहते हैं करंट। और ये जो है स्लोप है, क्या है स्लोप, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है, जो कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये स्लोप है, सपोज दैट इसका एंगल क्या है, ये थीटा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें ऐसे कुछ इसको डॉटेड लाइन से ऐसे हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहां पर ध्यान से देखेंगे हम यहां पर लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट करेंट इज प्लॉटेड, करेंट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस। मतलब हमने करंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और वोल्टेज को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखना है कि हम मान लीजिए कि इसको फिगर नंबर हम टू ले लेते हैं, फिगर नंबर टू, ठीक है। और हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा, टू है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर टू अगर हम यहां लिखे सिंस टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू हम सभी को जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि tan थीटा जो है ये परपेंडिकुलर भाई क्या है, बेस है ना। अब तो यहाँ पे इम्प्लाइड साइन tan थीटा, अब देखिए हम जानते हैं कि थीटा के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर P के लिए ये क्या हो जाएगा वोल्टेज भी, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह पे भी है ना, और ये जो बेस है इस बेस की जगह पे क्या हो जाएगा करेंट आई, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं करेंट आई है ना। अब हम लोग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि वी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई, अर्थात वी बाई आई जो है वो किसकी बराबर है रेसिस्टेंस के बराबर है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी बाई आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर जो कि क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस है ना। अब वी नो डैट ठीक है, वी नो डैट स्लोप, अब हम जानते हैं कि कभी भी जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं स्लोप क्या होता है ढाल होता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है, यही होता है हमारा स्लोप, तो एक्स एक्सिस से जो मेजर होता है एंगल अगर थीटा है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो वी नो डैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्लोप है ये बराबर किसके हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, स्लोप किसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर है ना, अब टेन थीटा किसके बराबर है रेसिस्टेंस के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए,